I welcome you all to the beautiful Sunday evening talk that happens every Sunday at Shanti Sarovar. Of course, you all know Shanti Sarovar is a beautiful place full of greenery, peaceful vibrations. All of you have visited around? All of you have seen around the place how beautiful it is, how peaceful it is, right? So every Sunday, we have the Sunday evening talk where we have speakers all over the world. So today's topic, what is today's topic? Environment. Sustaining the environment and rejuvenating the thoughts. ठीक है? क्या है इसका मतलब? What do we mean by sustaining the environment? Big, big words. Rejuvenating the thoughts. आप लोगों को लगता है कि जब हम किसी ब्यूटीफुल सी जगह पर जाते हैं, वेन एवर वी गो टू सम ब्यूटीफुल ग्रीन प्लेस फुल ऑफ ट्रीज फ्लावर्स, वी फील गुड अबाउट इट. यस, यस और नो? व्हाई? बिकॉज द एनवायरनमेंट हैज द डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन आवर थॉट प्रोसेस. वी फाइंड इट ब्यूटीफुल. दिस इज समथिंग वी ऑल नो ऑलरेडी. यस, डू यू नो द थॉट ऑल्सो हैज इम्पैक्ट ऑन एनवायरनमेंट? किस किस को ये पता है कि हमारे थॉट्स का भी एनवायरनमेंट पे उतना ही इम्पैक्ट होता है? होता है? कैसे? आप सोचो, जितनी भी ब्यूटीफुल जगह है इस दुनिया में, इट वॉज इन समवन्स माइंड फर्स्ट, राइट? फिर वो फिजिकल में आया. यू नो अबाउट इन चंडीगढ़ देर इज अ ब्यूटिफुल गार्डन जो सारा वेस्ट से बना हुआ है. नाउ इट्स अ वेरी ह्यूज टूरिस्ट अट्रैक्शन इन चंडीगढ़. किसी के दिमाग में था वो, then it actually came into the physical form aur aaj sab usko dekhne ja rahe, right? So towards the same line, how to make our environment beautiful, how to make our thoughts beautiful, how to make our environment sustainable, hai na? Jaise hum apne ghar mein rehte hain, hum kaise usko sustain kare? Today to discuss around the same, we have our speaker on the topic sustaining the environment and rejuvenating the thoughts. Software engineer, research scientist for 2 years in CEERI. Worked as professor in ICFAI for 8 years in Artificial Intelligence Department. Managing director of Dhruvansh Organization, which is actively involved in environment protection and lake restoration. आज की जो हमारी स्पीकर्स हैं, she have worked all over the Hyderabad to restore around 14 lakes. Novotel Lake, IPS Officer Colony, Mirpet, there are many many examples जो आज खुद वो अपने अनुभवों के द्वारा हमारे साथ शेयर करेंगे. So with huge round of applause, please welcome today's speaker Madhulika Chaudhary. Ma'am, please come. सेव द अर्थ, प्रोटेक्ट द अर्थ बोलते हैं, बट एक्चुअली सही में हमें सेव द ह्यूमंस बोलना चाहिए. डायनासोर की स्पीशीज थी, खत्म हो गई. ह्यूमन स्पीशीज भी खत्म हो जाएगी अगर हम अपने आप को बचाने के लिए आगे नहीं आएंगे. तो अर्थ अपने आप को बैलेंस कर लेगी. अर्थ को नहीं है जरूरत ह्यूमंस की, ह्यूमंस को जरूरत है अर्थ की. मेरा नाम मधुलिका चौधरी है. मैं इस लेक पे 2016 से काम कर रही हूँ. अब तक इस लेक को करीब 3 नेशनल अवार्ड्स और 3 स्टेट अवार्ड्स मिल चुके हैं. ये लेक सीवेज वाटर लेक है, बट आप देख सकते हैं इस लेक में बहुत सारा बायोडायवर्सिटी है. लेकिन 2016 में ऐसा नहीं था. उस टाइम पे हमारे पास बहुत सारे चैलेंजेस थे जब मैंने लेक स्टार्ट किया, और ये बहुत बड़ा लीगेसी गार्बेज डंप यार्ड था.
2016 से लेके 2017 तक मेरे पास एक भी वॉलंटियर नहीं था जो कि आके मुझे सपोर्ट कर सके। और धीरे 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 करके हम करते चले गए जिसमें मुझे गवर्नमेंट का सपोर्ट आया। डेट में ये है कि हमें सिर्फ वो 10 दिन होते हैं या 12 दिन होते हैं जब पानी की याद आती है, उसके बाद हम कभी नहीं सोचते कि उस पानी के साथ क्या हो रहा है। हम सिर्फ ब्लेम गेम करते रहते हैं, गवर्नमेंट को ब्लेम करते हैं, हम लोगों को ब्लेम करते हैं, पॉलिटिशियंस को ब्लेम करते हैं, लेकिन एक बार आगे बाहर चेक करने की भी कोशिश नहीं करते। शायद हम खुद ही इस गंदे पानी के लिए कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल हैं। अगर हमें बस एसी में ही बैठे रहना है हर वक्त तो फिर क्यों चाहिए हमें ग्रीन स्पेस और लंग स्पेस? कि भाई आप जो है वो आपको लगता है कि बस मैं अपना घर ही साफ कर सकता हूँ, मैं जो हूँ एनवायरनमेंट को कुछ भी गंदा नहीं करूंगा कुछ भी, तो ना आपका गणेश आपके घर से बाहर आना चाहिए, ना आपका कूड़ा आपके घर से बाहर आना चाहिए, ना आपका स्वेज आपके घर से बाहर आना चाहिए। उस केस में आपको भी बाहर आने की जरूरत नहीं, ना एनवायरनमेंट से कुछ लो और ना एनवायरनमेंट को कुछ दो। लेकिन अगर आप ये काम नहीं कर रहे हो तो ये सच में जरूरत है कि भाई आप बाहर आइए और क्लीनिंग ड्राइव करवाइए। आप हर वक्त बैठ के हर किसी को ब्लेम नहीं कर सकते। आर्टिकल 51 ए ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन ये हमें बताता है, हम सिटीजन्स की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जितने जो नेचुरल हेरिटेजेस हैं उनको हमें प्रोटेक्ट करना है। कोई भी आदमी सिर्फ एक बार सोच ले, 2-3 साल में वो एक छोटी सी लेक को बहुत सुंदर रूप दे सकता है, जो कि आप यहाँ देख रहे हैं कि नेकनामपुर लेक इस टाइम पर बहुत सुंदर एक लेक बन गई है। इसमें कोई स्मेल नहीं है, फ्लोटिंग आइलैंड्स हैं, 40,000 प्लांटेशन हैं। और 178 मोर देन 178 बर्ड्स आती हैं। आप मॉर्निंग में आके देखिए तो आपको इतनी बर्ड्स की हलचल सुनाई देगी कि आपको महसूस होगा कि भाई वाकई ये होता है एनवायरनमेंट। लेकिन उसके लिए आपको एनवायरनमेंट में आना पड़ेगा। एनवायरनमेंट को हम बहुत ही कम पैसे में रिस्टोर कर सकते हैं, लेक्स को हम बहुत कम पैसे में रिस्टोर कर सकते हैं। ये सीवेज वाटर, ये गार्बेज, ये कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है किसके लिए हमें करोड़ों रुपए की जरूरत। मेरे जो कॉन्स्टेंट वीडियोस आपके साथ आते रहेंगे, मैं चाहती हूँ आप प्लीज़ उनको देखिए कैसे इस नेकनामपुर लेक को मैंने बहुत ही कम पैसे में रिस्टोर किया। मैं आप सब लोगों से वो शेयर करना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि कोने कोने में आप लोग सब लोग आएँ और अपने जितने भी नदी नाले रिवर हैं उसको बचाएँ। थैंक यू। मैं आज ब्रह्म कुमारी की बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे आप अपॉर्चुनिटी दी कि मैं आप सब लोगों से इंटरेक्ट कर सकूँ। और आज जो आप देख रहे हैं वो जब हम शुरू करते हैं तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स में होते हैं। जब मैं छोटी थी तो मेरी माँ कहा करती थी कि जन्म तो कीड़े मकोड़े भी लेते हैं, लेकिन इंसानों का अगर तुम्हें जन्म मिला है कुछ तो कुछ करने के लिए मिला है। अक्सर मेरी माँ जब डांट लगाया करती थी तब ये कहती थी क्योंकि हम शैतानी करते रहते थे कुछ ना कुछ, तो वो कहती थी कि जन्म तो कीड़े मकौड़ों को भी मिलता है, वो भी अपना खाना पीना पालना ये सब काम करते हैं, लेकिन अगर इंसान का जन्म मिला है तो कुछ करके। अब वो क्या करना है ये पता नहीं था, मम्मी डांट लगाती थी ख़त्म हो जाती थी बात। आगे बड़े हुए उसके बाद कंप्यूटर इंजीनियर इज़ द बेस्ट इंजीनियरिंग, जैसे हर पेरेंट्स एक्सपेक्ट करते हैं वैसे ही मुझसे भी एक्सपेक्टेशंस थी। तो मैं हमेशा से पढ़ाई में अच्छी थी, साइंस में एक अच्छी स्टूडेंट थी, टॉपर रही हूँ अपने स्कूल में, तो कंप्यूटर इंजीनियरिंग के अलावा कोई और सोचते नहीं, पेरेंट्स भी वैसे ही सोचते हैं कंप्यूटर इंजीनियरिंग करी, और ये सब थॉट्स थे दिमाग में लेकिन कभी ऐसे रिप्रेजेंटेशन में नहीं आए या कभी ऐसा देखा नहीं कुछ। हाँ बस इतना याद है कि 11th ग्रेड में जब मैं थी तो एक बार किरण बेदी मेरे स्कूल में आई थी और मैं बहुत इन्फ्लुएंस्ड हुई थी, और किरण बेदी ने ये कहा था कि अपना वक्त हमें स्पेंड नहीं करना चाहिए इन्वेस्ट करना चाहिए। तो उस टाइम से ही कभी टीवी देखने की आदत नहीं थी, ये एक नॉर्मल था, बहुत खेल कूदने में थी और जैसे मैंने कहा कि पढ़ाई में अच्छे बच्चे होते हैं
राइट तो वैसा ही मेरा भी बिहेवियर था, पेरेंट्स के लिए करना था. जब भी कोई एग्ज़ाम देती थी तो मैं अपनी मम्मी से बहुत इन्फ्लुएंस्ड होती थी, हूँ अभी भी. तो हमेशा सबसे पहले हनुमान जी का नाम लेना, फिर माँ का नाम लेना, ये बड़ा नॉर्मल था. तो माँ से मैं अपनी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड रही हूँ. कंप्यूटर इंजीनियरिंग किया, लेकिन ये सब बातें सब बैक ऑफ माइंड में कहीं पर थी, ऐसा नहीं था. अब जब आप इंजीनियरिंग कर लेते हो तो आपसे एक्सपेक्टेशंस, दुनिया की भी एक्सपेक्टेशन, आप नौकरी करिए, फिर शादी करिए, फिर बच्चे करिए, तो वही भाग दौड़ में थी. और मुझे याद है क्योंकि मैं बहुत यंग एज में मैंने सब चीज़ें कर ली थी, अर्ली एज रही हूँ मैं, अर्ली लर्नर रही हूँ, तो उसकी वजह से बहुत जल्दी हर चीज़ मेरी बहुत जल्दी हुई. तो कई बार तो मैं मजाक बनाती हूँ, मेरी 23 में शादी हो गई थी, तो मैं कहती हूँ मेरी तो चाइल्डहुड मैरिज है 23 में शादी हो जाने की. तो हर चीज़ बहुत फास्ट फास्ट मेरी लाइफ में चल रही थी और बहुत अच्छी चल रही थी. राइट, अच्छा सब कुछ था, बच्चे अच्छे, फैमिली अच्छे, तो कभी ऐसा कुछ सोचा नहीं कि कुछ करना है. और दूसरा मौका भी नहीं मिलता, आप सुबह जाते हो, और एक लेडी के लिए तो आप समझिए सुबह भाग जल्दी जल्दी करके खाना बनाना है, बच्चों को भेजना है स्कूल, आपको उससे पहले सुबह उठ जाना है क्योंकि आपको बच्चों को उठाना है, तो आपकी कंपल्शन होती है, आपको सुबह 5-6 बजे उठने की ज़रूरत है. आप बच्चों को तैयार करते हो हस्बैंड के लिए, फिर खुद का तैयार करना, पूरा करना, वापस घर लौट के आना, मतलब पूरी एक लाइफ दिन ऐसे सेट होता है कि कई कई बार तो मैं ये कहा करती थी ये सैटरडे संडे भी ऑफ क्यों मिलता है, ये भी ऑफिस ही बुला लो क्योंकि सैटरडे संडे बिल्कुल, क्योंकि घर का इतना सारा काम पड़ा हुआ होता है उस टाइम पे कि सैटरडे संडे भी और थकान हो जाती है रेदर देन रिलैक्स करने के. तो वैसे ही मेरी लाइफ थी, किसी चीज़ के लिए और टाइम नहीं होता था. फिर जब छुट्टियाँ हुई कुछ हुई तो घूमने जाना, ऑब्वियसली कि अब नैनीताल घूमने जा रहे हैं, अब यहाँ घूमने जा रहे हैं, कंफर्टेबल, थैंक यू. तो जिस तरीके से हम अपनी ज़िंदगी जीते हैं, उसके बाद ऑन साइट जाना, बस सब लोग कहेंगे भाई आउट ऑफ इंडिया नहीं गए, आप इंडिया में रह गए. अरे तो आउट ऑफ इंडिया जाना है, अब उसकी रेस शुरू हो गई कि आउट ऑफ इंडिया जाना है तो सिंगापुर जाना है कि US जाना है. मेरी पूरी फैमिली जो है वो US में और कैनेडा में सेटल हो रही थी, तो मेरे लिए भी क्योंकि मैं घर में सबसे छोटी थी तो अब मेरे लिए भी ये चैलेंज था कि अब तो भाई मुझे भी बाहर सेटल होना, नहीं तो इंटेलिजेंट नहीं रहेंगे ना. अगर आपको अपने आप को इंटेलिजेंट प्रूव करना है तो अगर आप आउट ऑफ इंडिया हो तो इंटेलिजेंट हो, इंडिया में रह गए तो भाई कमी रह गई कुछ ना कुछ. तो ये एक बड़ा नॉर्मल सा, ये हमारी, मेरा ख्याल है सबकी घर घर की कहानी चल रही होगी कि हम सब ऐसा ही अपने बच्चों से या हमसे एक्सपेक्टेशन किया जाता है, या कई बार हम भी अपने बच्चों से सेम ही एक्सपेक्टेशंस कर रहे हैं. मैं आपको एक छोटा सा एक दूंगी कि मैं कितना तेज दौड़ रही थी. मेरा बेटा, बड़ा बेटा मेरा, फर्स्ट ग्रेड में था. राइट, और आते ही उसके लिए टेस्ट पेपर्स रेडी करके रखना, क्योंकि आगे तक डिसाइड कर लिया था कि 12th के बाद इसको हार्वर्ड पढ़ने भेजना है, तो उसके लिए पैसे इकट्ठे करने हैं. मतलब अभी वो फर्स्ट में है. राइट, अभी वो फर्स्ट में है, लेकिन मेरी प्लानिंग आप देखिए कितनी आगे तक हो गई थी कि हार्वर्ड भेजना है. फर्स्ट क्लास में उसको मैं इतना पढ़ाती थी कि वो नेशनल ओलंपियाड उसने मैथमेटिक्स का जो है ना ऑल ओवर इंडिया वन किया था. तो आप सोचिए मैं कितनी बुरी माँ थी. नहीं, इसको आज की डेट में मैं बिल्कुल भी कॉम्प्लीमेंट नहीं लेती हूँ. राइट, नो डाउट ये ओवरलोडिंग थी मेरे ऊपर. राइट, लेकिन उस टाइम पे आप सोच रहे हो कि तब से IIT की प्रिपरेशन करनी है भाई, IIT में नहीं निकलेगा फिर हार्वर्ड जाना. तो आप ये सोच सकते हो कि मेरी लाइफ कितनी कितनी ज़्यादा एक तरीके से बंधी हुई थी. राइट, कि भाई घर आना, नौकरी करना, बच्चे संभालना, फिर करना, फिर ऑब्वियसली रेस्ट आपके रिलेशनशिप्स होते हैं, आपको उनको हैंडल करना, पेरेंट्स को हैंडल करना. तो इस फील्ड में आने का तो मेरे दिमाग में इतना सा भी सेकंड नहीं था. और अगर कोई कह दे कि अब मंदिर आ जाओ, भगवान के पास जाना है, तो वो भी टाइम नहीं है भाई क्योंकि इतने बिजी हैं. तो ये बिल्कुल एक जो हमारी भागती हुई ज़िंदगी थी, बिल्कुल मेरी वैसे ही. और हमेशा ऐसा लगता था कि जो है ना इतनी तेज दौड़ रही थी मैं उस टाइम पे कि मुझे याद है मैं कई बार अभी आपके सामने मैं ये पहली बार बोल रही हूँ और बड़ी मजाक की बात है कि सैटरडे मेरे बच्चे दोनों मेरे सैटरडे बॉर्न है और मंडे को मैं ऑफिस ज्वाइन कर लेती थी. राइट, तो अब ये सोचिए कि मेरी लाइफ किस तरीके से थी कि शायद मैं उस चीज़ के लिए भी आई एम नॉट एट होम. तो एनर्जी बहुत थी लेकिन ये नहीं पता था कि ये एनर्जी किस तरीके से जा रही है. लेकिन हाँ, जैसे दुनिया बोल रही थी उसके हिसाब से बिल्कुल फिट चल रही थी. राइट, और अच्छी प्रोग्रेस मिल रही थी मुझे जहाँ भी मैंने काम किया, जहाँ भी इंटरव्यूज़ दिए. टचवुड मैं कहूँगी भगवान ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, हमेशा एक सिलेक्शन रहा. मैं उसके बाद सिंगापुर में थी. सिंगापुर में मुझे एक साल के लिए मैं जॉब नहीं कर रही थी और तब मैं अपने बच्चों के साथ थी जब मैं उनसे ये सब डिस्कशन करती थी. तो वहाँ पर कुछ ऐसा केस हुआ जिसने मेरी एकदम से लाइफ में चेंज लाया, एक ट्रांजिशन लाया कि भाई मधुलिका कुछ सोचने की ज़रूरत है.
और वो शायद इतने सालों बाद 2012 की मैं ये बात बता रही हूँ कि मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि मधुलिका तुम्हारे मतलब धरती पे आन तुम धरती पे बोझ हो कि वाकई इस धरती के लायक हो। ये शायद पहला थॉट था जो 2012 में आया कि भाई ये अपने आप से मैंने पूछा कि वाकई मैं एक बोझ हूँ, मतलब एक कॉकरोच को मारा वैसे ही मेरी भी डेथ होनी है राइट कॉकरोच की तरह, या कुछ कुछ डिफरेंट किया जा सकता है। ऑब्वियसली कुछ भी नहीं पता था क्योंकि देखा ही नहीं, तो ऐसी सोच भी नहीं थी और एकदम से चीज़ें आना बहुत मुश्किल काम हो जाता है। तब मैंने ये डिसाइड किया कि भाई मुझे कुछ करना है, मुझे जानना है कि भाई ये जो मेरा जिस काम के लिए मैं वाकई, जैसे मैंने कहा कि वाकई मैं कुछ काम के लिए पैदा हुई हूँ कि बस इसी तरीके से बच्चे पाल के बड़े करके और फिर बस मुझे मर जाना है, यही मेरी एक लाइफ का है। तो वो एक ट्रांजिशन पीरियड जो था बड़ा अजीब सा था, मतलब ना बींग अ लेडी किसी को अगर मैं बताती भी थी उस टाइम पे तो सबका ये था ये पागल हो गई है, थोड़ी दिन का भूत है उधर जाएगा, है ना, थोड़ा दिन का भूत होता है ना, सब सबको चढ़ता है जब हम मोमेंट्री एकदम से इन्फ्लुएंस्ड हो जाते हैं, तो वो मोमेंट्री होता है और मोमेंट्री होता है तो वो उतर भी जाता है। तो जब भी मैं किसी से अपने फादर से डिस्कस कर रही थी तो ठीक है हाँ बिल्कुल बिल्कुल बहुत बढ़िया सोच रही है, थोड़े दिन के लिए सोच ले, मतलब सब बहुत बढ़िया तो कि भूत है उतर जाएगा राइट। तो यही थॉट था और उस थॉट को करके मैंने हैदराबाद इसलिए आई मैं क्योंकि ये जो एक अंदर से एक स्ट्रगल चल रही थी मेरे अंदर, एक 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 तरीके से अपने आप से ही फाइटिंग चल रही थी, इसमें किसी और का इन्वॉल्वमेंट नहीं था, एक अपने आप से ही एक अंदर मेरे फाइटिंग चल रही थी जिसका मुझे कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा था। तो मुझे चाहिए था कि ऐसी जगह जाऊँ जहाँ मुझे कोई ना जानता हो। तो 2014 में जब मैं सिंगापुर से हैदराबाद आई तो उस टाइम पे हैदराबाद एक जैसी सिटी था जहाँ मुझे कोई नहीं जानता था, कोई मेरा रिलेशन नॉर्थ, आई बिलोंग टू राजस्थान, तो नॉर्थ में पूरा यूपी और वो सब में मेरे बहुत रिश्तेदार थे, लेकिन हैदराबाद इज़ द ओनली सिटी, बेंगलोर में भी काफ़ी फ्रेंड्स वगैरह थे लेकिन हैदराबाद में मुझे कोई नहीं जानता था, ना कोई मेरा रिश्तेदार था, ना कोई मेरा बैंक बैलेंस था, कुछ नहीं था। तो मैं ऐसी जगह से स्टार्ट करना चाहती थी बिल्कुल ज़ीरो फंड से, जिससे कि मैं खुद जान सकूं कि मेरे अंदर कैपेबिलिटी कितनी है, जैसे मैंने कहा कि वाकई मैं बोझ हूँ या मैं किसी लायक हूँ। और मैं अगेन ये बात कहूँगी कि उस टाइम पे बहुत एक एनर्जी फ्लो कर रही होती है आपके अंदर, आपको डायरेक्शन नहीं मिल पाती है क्या करना है, सिर्फ एक बढ़ रहे होते हैं आप आगे। तो यू जस्ट हैव टू मूव फॉरवर्ड राइट, बट वॉट द डायरेक्शन यू आर टेकिंग, इट्स राइट और इट्स रॉन्ग, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू एक्चुअली डिसाइड। ओके फाइन, तो अब व्हेन आई हैव डिसाइडेड कि लेट्स ट्राई, लेट्स चेक द वाटर्स, सो आई डिसाइडेड कि चलो एक बार शुरू तो करते हैं। एंड देन बिकॉज एज आई वॉट ऋषिका हैज़ टोल्ड अबाउट कि मैंने कॉलेजेस में भी काम किया था एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी था, तो जब मेरा बेटा छोटा था, जब बड़ा हो रहा था ना, तो मैं बड़ा उसके मूवमेंट्स को ऑब्जर्व करती थी और मैंने ये देखा कि हम लोग वी ऑल हैव बिकम रोबो सैपियंस दो द स्किन इज स्टिल ह्यूमन राइट। आई डो नॉट नो हाउ मच यू कैन डिफरेंशिएट बिटवीन अ रोबो सैपियन एंड अ होमो सैपियन, सो द बेसिक डिफरेंस इज कॉमन सेंस लर्निंग। इफ वी आर नॉट यूजिंग द कॉमन सेंस लर्निंग दैट मीन्स दो वी लुक लाइक ह्यूमन्स बट वी एक्चुअली प्रोग्राम्ड एंड वी आर बिहेविंग एज अ रोबो सैपियन। सो दैट इज विच इज हैपनिंग नाउ डेज कॉमनली, जिसका मैं आपको कुछ प्रमाण भी दूंगी और आप खुद रियलाइज करेंगे। देन बहुत सारे अगेन ट्रेडिशंस, जैसे मैंने कहा कि ये लेक मेरे घर से सिर्फ हाफ किलोमीटर दूर थी जहाँ मैंने एक रेंट पे घर लिया था, तो अपने बच्चों के साथ ले जाके मैं उनको कि ये ऐसा है वैसा है ठीक है डिस्कस करते थे क्या कर सकते हैं, तो डिस्कस ही कर सकते थे भाई उस टाइम पे, कुछ और तो पता था नहीं, तो एक डिस्कशन ही होता इनिशियली। तो एंड देन धीरे धीरे कुछ इस तरीके से हुआ कि हमें प्लांटेशन करना था, कुछ थोड़ा सा सपोर्ट आया, गवर्नमेंट ने कुछ बोला, मैं थोड़ा प्लांटेशन के एकदम से फेवर में नहीं थी, लेकिन फिर धीरे 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 करके जब मुझे ये लगा कि नहीं मैं प्लांट्स को ज़िंदा रख सकती हूँ, जबकि इसमें सिवेज वाटर ही है लेकिन प्लांट्स को एटलीस्ट पानी तो मिलेगा जिस भी फॉर्म में मिले, तो उस तरीके से स्टार्ट किया। तो पहले 2000 प्लांटेशन किया, उनको ध्यान रखा, फिर 2 लाख 2000 से करते करते अभी 1 लाख प्लांटेशन हो गया, पानी को देखा, पानी में क्या परेशानियाँ हैं। तो मैंने ये देखा, मैंने सच में ये बात देखा कि मेरा ध्यान जो मेरा पति बच्चों में लगा रहता था, है ना, मेरा मुझे अपने बच्चे को हार्वर्ड यूनिवर्सिटी भेजना था
वो अब मेरा ध्यान धीरे 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 करके इस लेक पे आने लगा, राइट, एक ऐसे शिफ्ट शुरू हुआ और मेरा एक कनेक्शन धीरे धीरे, वो जो कनेक्शन था वो धीरे धीरे एक प्यार में बदलने लगा और मुझे ये ट्रांजिशन फील होने लगा कि अब मैं बच्चों को कम डांटती थी, है ना, नहीं तो जैसे होता है अब टीवी, अब तुम लैपटॉप पे क्यों बैठे हो, अब तुम ये क्यों बैठे हो, तो एक ना जैसे हम एक मदर का रोल जो होता है ना वो तगड़े तरीके से प्ले कर रहे होते हैं क्योंकि हमें लगता है हम ही हैं इन बच्चों के लिए और अगर हमें कुछ हो गया तो बच्चे तो हमारे हो जाएंगे, ऑब्वियसली हर माँ ऐसा ही सोचती है। लेकिन जब मेरा ये ट्रांजिशन शुरू हुआ और जब मेरा फोकस लेक पे आने लगा तो धीरे धीरे मुझे ये महसूस होने लगा कि एक्चुअली मैं किसी भी चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ, अगर कोई पैदा हुआ है ना, तो वो अपनी किस्मत और अपनी लाइफ वो खुद लेकर आया। और मैंने ये अपने अंदर एक एनर्जी का डिफरेंट तरीके से, जो एक मेरे अंदर पहले एक एग्रेशन फॉर्म हुआ करता था, वो धीरे धीरे अब पेशेंस का रूप लेने लगा, जो कि बड़ा अजीब था। मतलब अगर आप मुझे देखेंगे 2012 में, 2014 में और 16 में और अब देखेंगे तो मैं खुद अपने आप को नहीं पहचान पाती हूँ कि ये सेम मधुलिका है क्या क्योंकि एक चेंज होने लगा एक मदर के कैरेक्टरिस्टिक्स में, जो मेरा एक टेंशन भरा था कि अरे मेरे बच्चों का फ्यूचर क्या होगा, अरे मेरे बच्चों का ऐसा क्या होगा, वो उसमें चेंज आने लगा। और मैंने ये देखा कि मेरा रिलेशनशिप मेरे बच्चों के साथ और बेटर हो रहा था, रिड्यूस नहीं हो रहा था। तो कई बार जो एक ऐसे मैं ड्रोन की तरह अपने बच्चों के ऊपर घूमती रहती थी वो जो ड्रोन का एक जो फोकस हटा, जो कि एक्चुअली होता है, तो जब वो फोकस हटा तो वो थिंग्स बेटर होती चली जा रही थी और अच्छा ये होता चला जा रहा था कि लेक के अंदर चेंजेस आ रहे थे और उससे मुझे एनर्जी मिल रहा था। सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारे यहाँ लेक्स का सिर्फ गार्बेज ही है अगर आप देखेंगे तो, राइट, साइंटिफिक बहुत सारी चीज़ें हैं, गार्बेज ही है। तो मैं बड़ा परेशान हो जाती थी, भाई कैसे लोगों को गार्बेज के लिए समझाया जाए। तो कुछ कुछ लोग आते थे एडवाइस देने के लिए तो मुझसे कहते थे, मधुलिका गार्बेज की अवेयरनेस देनी पड़ेगी। अब मैं सोचती थी कितनी अजीब सी बात है कि सबको पता है कि ये गंदा है और हमें इसको लेक पे नहीं फेंकना है, क्या इसकी भी अवेयरनेस देनी पड़ेगी? आप समझ सकते हैं कि ये बड़ा नेचुरल है, राइट, लेकिन सबका नए मधुलिका अवेयरनेस की बड़ी कमी। मैंने कहा भाई लेक्स की अवेयरनेस की कमी है, लेक्स की क्या ज़रूरत है, ये समझ में आता है मुझे, लेकिन गार्बेज नहीं फेंकना है, गार्बेज गंदा है, इसकी भी अगर हमें अवेयरनेस देनी पड़े तो हमें समझना पड़ेगा कि भाई हमारा कॉमन सेंस रीजनिंग किस डायरेक्शन में जा रहा है, जिसको मैंने कहा कि रोबो सैपियंस और होमो सैपियंस, है ना, कि हम अभी भी होमो सैपियंस हैं कि वाकई हम रोबो सैपियंस ही बनते चले जा रहे हैं। उसके बाद बहुत सारे लोग प्लांटेशन के लिए जब आते थे वॉलंटियर्स पे, अभी भी आते हैं, तो गड्ढा हम लोग खोदते थे और अगर आप देखते होंगे तो पेड़ जो होता है छोटा सा सैपलिंग प्लास्टिक में होता है, तो डायरेक्टली लोग उसको प्लास्टिक के साथ प्लांट कर देते थे। तो अभी आज जब आप लेक पर आएंगे तो मेरा एक पूरा ट्रेनिंग सेशन होता है जिसमें मैं पूरा 15-20 मिनट सिखाती हूँ कि सैपलिंग को प्लांट कैसे करना है, सैपलिंग को हैंडल कैसे करना है। शुरू शुरू में ज़रूर परेशान हो जाती थी कि क्या मुझे इतनी छोटी छोटी बातें भी समझानी पड़ेंगी, ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ऐसा तो नहीं सोचा था मैंने। लेकिन जब धीरे 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 करके रियलाइज़ हुआ तो मुझे ये रियलाइज़ होने लगा कि भाई शायद हमारे पास वो, जैसे मैंने कहा ना, टाइम की कमी मेरे पास भी थी, जैसे मैंने कहा टाइम की कमी है या हमारा फोकस डिफरेंट है, इसीलिए हम इन छोटी छोटी बातों को इग्नोर कर देते हैं। या दूसरा ये है कि जो इतना सारा पोल्यूशन है वो बढ़ इसलिए रहा है, इट्स कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग बिकॉज द माइंड पोल्यूशन इज ऑल्सो इंक्रीजिंग, बिकॉज आवर फोकस इज नॉट एट ऑल अबाउट अ क्लीन एनवायरमेंट, इट्स अबाउट ओके फाइन मॉर्निंग आई हैव टू गो, इवनिंग आई हैव टू कम, एंड देन आई हैव सैटरडे संडे आई हैव टू गो समवेयर, दैट्स इट। तो द लिमिटेशन ऑफ द थॉट्स इज समवेयर हैज बीन टोटली फोकस्ड रादर देन कि व्हाट, एंड द गुड थिंग अबाउट इट, whenever I'm going into programs, people are telling me that we have to do for our future generations. I always ask them that if presently we are not doing as a parent, how can we expect our kids to do in the future generation?
Yes, until less our kids will see their parents to do something at present. They are definitely not, because अभी तो मोबाइल का ज़माना आ रहा है. टाइम ही कहाँ है मोबाइल छोड़ के और लैपटॉप छोड़ के काम करने के लिए. तो ऐसी सिचुएशन में अगर आज की जनरेशन में हमने अपने माइंड को प्रॉपरली फोकस करके ये नहीं जाना कि क्या सही है क्या गलत है, तो मान के चलिए कि फ्यूचर जनरेशन से हम एक्सपेक्टेशंस नहीं रख सकते हैं, और रखना भी गलत है, ये मैं सोचती हूँ. तो जैसे मैंने कहा कि एक तरफ तो लेक में धीरे धीरे चेंजेस आ रहे थे, और उस लेक की वजह से मेरे अंदर बहुत सारे चेंजेस आ रहे थे. 2020 में मेरे बेटे ने 10th पास किया, अच्छे मार्क्स आए उसके, अच्छे मार्क्स, 90 से अबव मार्क्स आए. और जब वो 11th में आ गया तो दोबारा से, क्योंकि अब लेक पे काम कम हो रहा था, वॉलेंटियर्स कम आ रहे थे, तो अब मैं तो हूँ ही बिगड़ी हुई माँ, तो फिर से मैं अपने बच्चे के ऊपर आ गई कि भाई 11th में अब तुम क्या कर रहे हो, है ना, 11th की प्रिपरेशन कैसे कर रहे हो भाई. आगे अब टेंशन होता है जब बच्चा 11th 12th में, और ये भी टेंशन होता है भाई कोई गलत आदत ना लग जाए, ये हो जाए भाई 11th 12th में आके. तो उसकी पढ़ाई चल रही थी ऑनलाइन पढ़ाई चल रही थी, तो मैं देखती थी कि ऑनलाइन क्लास लगाई और वो सो गया जो कि शायद बहुत सारे पेरेंट्स ने देखा होगा ड्यूरिंग हुआ. और मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि फिर से मैं उसको थोड़ा ज़्यादा डांटने लगी हूँ, जो कि गलत है. उस टाइम पे मैंने ये डिसाइड किया कि अब फिर से मधुलिका चेंज की ज़रूरत है, दिस इज़ नॉट योर बिहेवियर, ये सही नहीं है. एंड क्योंकि ऑलरेडी अब मैं मेरा जो बैकग्राउंड था वो कंप्यूटर इंजीनियर का था, लेकिन मैं इतना कुछ पढ़ चुकी थी लेक रेस्टोरेशन कैसे करते हैं, हम लोगों ने फ्लोटिंग ट्रीटमेंट वेटलैंड्स लगा चुकी थी, तो बहुत सारे इसके ऊपर रिसर्च पेपर्स जनरेट किए जा चुके थे. तो आई डिसाइडेड कि क्यों ना मैं अपनी क्वालिफिकेशंस बढ़ा लूँ, और मैंने जो है वो एमटेक में एडमिशन लिया JNTUH में, राइट, और अपनी पढ़ाई शुरू कर दी. और मैंने अपने बेटे से कहा तुझे तेरा उद्धार करना है नहीं करना, मुझे तो करना है. तो मैंने अपनी एमटेक की पढ़ाई शुरू कर दी, और मैंने उससे बिल्कुल बोलना बंद कर दिया. और वो मैंने देखा कि उसको ये लगा कि अरे मम्मी फिर से आगे निकल जाए. एंड द गुड थिंग अबाउट इट कि भवंस में था वो, विद्याश्रम भवंस में, बिल्कुल 11th 12th बिल्कुल मैंने कुछ नहीं कहा उसको. उसने अगेन टॉप किया, NIT वारंगल में उसका सिलेक्शन हुआ, इज ज्वाइनिंग दैट. तो मुझे कई बार ऐसा लगता है कि ये जो मैं आपको एक्सपीरियंसेस शेयर कर रही हूँ, वो कई बार ये होता है कि जब हम किसी डिफरेंट, लाइक जैसे ये लेक है, ये एक तरीके से मेरे लिए जब हम बात करते हैं ना मदर अर्थ की, है ना, तो हम लोग सब लोग वर्ड यूज़ करते हैं मदर अर्थ. तो नाम तो दे दिया है माँ ना, लेकिन माँ को कभी जाके देखते नहीं हैं. उसके लिए हम सोचते हैं कोई और जाएगा, GHMC जाएगी या कलेक्टर जाएगा या MLA जाएगा. तो कई बार मैं ये सोचती हूँ कि अगर माँ हमारी ICU में है तो उसके लिए हम ही खुद दौड़ के जाएंगे ना, हम किसी और का तो इंतज़ार नहीं करेंगे. तो ऐसे अगर हम थॉट प्रोसेस अपने दिमाग में ला सकें कि भाई ये पूरा वातावरण सिर्फ घर का ही नहीं, अगर बाहर पॉल्यूटेड है और अगर अंदर हम इसमें बैठे हैं तो नहीं काम चलेगा, है ना, हमें दोनों चीज़ें साफ करने की ज़रूरत है. और उसके लिए क्या ज़रूरी है, हर कोई हर वक्त लेक्स पे नहीं जा सकता. मेरे घर के पास थी ये लेक, इसलिए मेरे लिए आसान था, है ना, कोई दूर दूर से हर वक्त नहीं आ सकता. लेकिन क्या हम अपने घर बैठे कुछ इस तरीके से कर सकते हैं? पहली चीज़ जैसे मैंने कहा, अपने दिमाग को ब्रॉड करना. ये जो हमारे थॉट प्रोसेस हैं कि सिर्फ हमें एक ही डायरेक्शन में जाना है, बच्चों को भेजना है, सबसे पहले तो कई बार मैं ये कहती हूँ अपनी फैमिली को बिल्कुल फ्री छोड़ देना. बच्चे जो करना चाहते हैं, वाइफ जो करना चाहती है, हस्बैंड जो करना चाहते हैं, सबको फ्रीडम देना, और ख़ुद को भी फ्रीडम लेना अपने इन थॉट्स से. तो फ्रीडम ऑफ थॉट्स, कि इस दिमाग को पहले शांत करना कि हम अगर मर जाएंगे तो दुनिया चलेगी, है ना. और दूसरा, वाकई हमारे अगर पैदा होने का कुछ फ़ायदा है ना, इस अगर हम धरती पे बोझ नहीं है और इसका अगर टेस्ट करने का आपको मौका मिले तो ज़रूर कीजिएगा. ये ज़रूर मैं आप सब लोगों से कहना चाहूँगी कि बस एक हम क्या है, हमारा जो ह्यूमन का एक जो हमारा बर्थ है
वो वाकई हम उसको एक प्रूफ या सक्सेसफुल मोड में लेके जा सकते हैं कि नहीं। इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि कोई बहुत बड़ा बनने की ज़रूरत है, हमारे अपने ही एरिया में आपको 100 प्रॉब्लम्स मिल जाएंगे, अपने ही साइड में आपको वो 100 प्रॉब्लम्स मिल जाएंगे। और अगर आपका दिमाग शांत है, आप अपने इस माइंड पोल्यूशन से अगर आप फ्री हो, तो आप देखोगे कि धीरे 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 करके चारों तरफ भी चेंजेस आ रहे हैं। ये मैंने देखा, मैंने अपने घर में देखा, जैसे कि मेरे बच्चों के अंदर चेंजेस आए। अब वो मुझे नहीं कहते हैं कि मम्मी कूड़ा क्यों उठा रही हो, अब वो मेरे साथ काम करते हैं, झाड़ू पोछा बर्तन मैंने सब अपने बच्चों को बहुत अच्छे से सिखाया है, और वो अब इस बात को एक्सेप्ट करते हैं कि ये सारी चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं। तो इंटेलिजेंशिया सिर्फ मार्क्स लाने में नहीं है कि आप क्लास में फर्स्ट आए, या आगे आपने जाके इंजीनियरिंग में आईटी किया, एनआईटी किया, क्या किया। इंटेलिजेंशिया आपकी पूरी लाइफ आपने कैसे जी, और उसकी वजह से आपके दूसरे लोग कैसे जी पा रहे हैं, वो भी एक वो एक्चुअली इंटेलिजेंशिया है। तो जैसे ये अब लेक के बारे में जब हम देखते हैं, एक तरफ हम ऑब्जर्व भी नहीं करते, हम सोचते हैं अरे यार गंदा है, ठीक है उसने किया होगा, उसने किया होगा, राइट। हम थोड़ा सा ये नहीं सोच पाते हैं कि कहीं ना कहीं हम खुद भी एक रिस्पॉन्सिबल हैं। तो अगर हम और बेटरमेंट करें, जैसे हमेशा मैं लोगों से कहती हूँ कि भाई हमें जिसे हम जिसे कहते हैं तड़ी चट्टा पुड़ी चट्टा, है ना, ड्राई एंड वेट को सेपरेट करना, सेग्रीगेशन करना, कॉम्पोस्टिंग करना, प्लास्टिक को नहीं यूज़ करना। नो डाउट प्लास्टिक 100% रिमूव नहीं की जा सकती है, बिल्कुल मैं मानती हूँ, क्योंकि हर चीज़ में प्लास्टिक आजकल आ गई है और प्लास्टिक इम्पॉर्टेंट भी है, लेकिन हम ये सोच सकते हैं रिड्यूस कैसे करना है। कई बार मैं लोगों से ये बात कहती हूँ कि जब शुरू में आग का आविष्कार हुआ था तो आग भी अनकंट्रोलेबल थी, लेकिन जब उसको कंट्रोल कर लिया तो कितना बढ़िया एनर्जी सोर्स बन गई। उसी तरीके से न्यूक्लियर एनर्जी पावर था, जब न्यूक्लियर एनर्जी का आविष्कार हुआ था, और आज भी आप देखते हैं बहुत बहुत डेंजरस हो सकती है न्यूक्लियर एनर्जी, लेकिन जब वो कंट्रोल्ड फॉर्म में है तो वो फ्रूटफुल है। वही तरीके से प्लास्टिक है ना। तो हम हर चीज़ को बुरा नहीं कह सकते, लेकिन रिड्यूस कर सकते हैं या कंट्रोल कर सकते हैं। अब इससे फ़ायदा क्या है, जो भी जो गार्बेज आता है इन लेक्स पे या इन सब पे, ये सब हम आसपास के लोगों के ही थ्रू आता है। सबसे एक दो तीन बातें ज़रूर आपको बताना चाहूँगी। जो बफेलो आप जानते हैं, है ना, तो बफेलो इज़ वेरी गुड स्विमर, बफेलो के नॉट ड्राउन इन द वाटर। एंड आई मायसेल्फ हैव सीन, बिकॉज जैसे दिखाया कि नेकनामपुर लेक पहले एक गार्बेज डंप यार्ड था, तो वो एक वो दलदल टाइप बन गया था, एंड आई हैव सीन दैट वन ऑफ द बफेलो लिटरली इट वॉज ड्राउन, एंड अर्लियर शी वॉज क्राइंग अ लॉट, एंड आफ्टर when she realized कि अभी कुछ नहीं हो सकता, she stopped crying and totally वो नीचे चले। So प्लास्टिक का तो direct मैंने impact देखे हैं। तो लेकिन still I know I am not saying that plastic is totally can be removed, yes but reduced is possible। दूसरा, जब भी आप कोई plant लगाते हैं या कोई plant मरता हुआ भी देखते हैं, तो ये मत wait करिए कि कोई और आके उसको पानी देगा, खुद कोशिश कीजिए कि उसको पानी डालिए, है ना। जैसे कि हमने आज तक कभी किसी प्लांट को थैंक यू बोला, हमें इतना सारा ऑक्सीजन देते हैं, हम भूल जाते हैं थैंक यू बोलना भी। कितनी सारी बातें जब मैं लेक पे होती हूँ तो मुझे रियलाइज़ होता है कि कभी किसी ने ना मुझे बताई और ना ही कभी डिस्कस हुई। हमारे यहाँ सनातन धर्म में 33 करोड़ देवी देवता माने जाते हैं। ये जो नंबर है ना 33 करोड़ देवी देवता, ये नंबर ऑफ स्पीशीज है विच इज़ प्रेजेंट ऑन द अर्थ, राइट। क्योंकि उस टाइम पे हमें पता था कि भाई अर्थ पे स्पीशीज कितने हैं। ये सारे स्पीशीज आपको एक ही फॉर्म में लेक पे मिलेंगे। तो मैं कई बार ये कहती हूँ, ये मेरा अपना सोच है, कि लोग जाते हैं टेम्पल्स में, बहुत दूर दूर जाते हैं, लेकिन वो भूल जाते हैं कि जो वाटर बॉडी है उसमें पानी है। वाटर बॉडी का मतलब सिर्फ पानी नहीं होता है, वाटर बॉडी का मतलब होता है एयर, पानी, सॉयल, स्पीशीज ऑल अराउंड, जो कि पानी के अंदर हैं, धरती पे हैं, एयर पे हैं, पेड़ पे हैं, कितनी सारी आप इमेजिन करिए कितनी स्पीशीज होती हैं जो एक वाटर बॉडी के पास होती है। अच्छा, आपने एक चीज़ नोटिस किया होगा, वाटर बॉडी हम बोलते हैं,
तो हम वाटर बॉडी वर्ड क्यों लगाया गया इसके आगे और इस वर्ड का इन्वेंशन कैसे हुआ? कई बार ये जो वर्ड्स होते हैं ना बड़ी अच्छी सोच दे देते हैं हमें। अगर आप देखेंगे अगेन, जैसे मैंने कहा कि कंपैरिजन करती हूँ मैं, दिमाग में चलता रहता है बैक ऑफ माइंड में, तो हमारे यहाँ एक थॉट प्रोसेस है जैसे मैंने अभी बताया रोबो सेपियंस एंड होमो सेपियंस का, उसी तरीके से ह्यूमन बॉडी एंड वाटर बॉडी अगर आप इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो ह्यूमन बॉडी भी 70% वाटर है और 30% बायोमास। वाटर बॉडी भी 70% वाटर होती है और 30% बायोमास होती है, राइट? हमारी पूरी फुल बॉडी में एक इनलेट होता है और आउटलेट होता है, राइट? ये पूरा जो हमारा बॉडी होता है, उसके बाद हमारे में खूब सारे बैक्टीरिया सब कुछ होते हैं हमारे साथ, भाई ये पूरा एक सिस्टम है ना, हमारे बहुत बैक्टीरियाज हैं पूरा हेल्प करते रहते हैं। और हमारे ही बॉडी में एक बहुत बड़ा एसटीपी है, सुवेज ट्रीटमेंट प्लांट, जो हमारे अंदर है। क्या है? लार्ज इंटेस्टाइंस, स्मॉलर इंटेस्टाइंस, आपका पूरा किडनी सिस्टम, ये क्या है? ये सुवेज ट्रीटमेंट प्लांट ही तो है, एक्सक्रीटरी सिस्टम जिसे हम बोलते हैं, जो कि सॉलिड और लिक्विड को अलग अलग निकालता है। इसको हम एक्चुअली नॉर्मल भाषा में बोलेंगे तो वी कैन कॉल इट एज अ सेल्फ क्लिंजिंग एलिमेंट। जब हम बीमार हो जाते हैं तो क्या करते हैं कि भाई खाना मत खाओ थोड़े दिन, है ना, या आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट करो, तुलसी का पानी ले लो, अदरक का पानी ले लो, ज़्यादातर हम लोग ये करते हैं। बिल्कुल ही नहीं होता तब हम जाते हैं कुछ पैरासिटामॉल वगैरह के लिए, अदरवाइज वी ट्राई। तो दिस इज कॉल्ड द आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट ऑफ द बॉडी। सेम वाटर बॉडी होती है, वाटर बॉडी का भी अपना सेल्फ क्लिंजिंग एलिमेंट होता है, उसके पास भी अपना एसटीपी होता है, उसके पास भी उसके बैक्टीरियाज होते हैं। लेकिन जब ओवर पोल्यूशन हो जाता है तब उसको ट्रीटमेंट की, जैसे हमारे साथ भी है, जब मैंने कहा ना ओवर पोल्यूशन हो जाता है तब हमें एक्सटर्नल ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पर ये देखने की ज़रूरत होती है कि भाई जैसे कि ह्यूमन हेल्थ है वैसे ही लेक हेल्थ होता है, एनवायरमेंट का हेल्थ होता है। और अगर एनवायरमेंट का हेल्थ अच्छा होगा, लेक हेल्थ अच्छा होगा, तो ह्यूमन का हेल्थ अच्छा होगा। या इसको दूसरे एंगल से समझिए, अगर ह्यूमन का हेल्थ अच्छा है, ह्यूमन का दिमाग अच्छा है, तो अपने आप एनवायरनमेंट का हेल्थ अच्छा है। आप देख रहे हो कितना हम एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हैं, इतना कोरिलेशन है। तो दिस इज प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, राइट? द आउटसाइड एनवायरनमेंट एंड द इनसाइड एनवायरनमेंट इज टोटली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। ये बातें मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि उस लेक पे काम करते करते टेक्नोलॉजी से ज़्यादा मैंने ये महसूस किया कि हमारा जो इंटरनल क्लींजिंग है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, माइंड का क्लींजिंग ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एंड आई हैव रियलाइज्ड कि जिस दिन लोग ये बात समझ जाएंगे कि भाई हमें पोल्यूशन नहीं करना है, जैसे कि कोरोना के टाइम पर हुआ था, कोविड इज़ वेरी गुड एग्जांपल, सबने आपने देखा होगा, हम लोग सब घर में बंद थे, सब कुछ अपने आप ठीक हो रहा था, राइट? एक पैसा नहीं लगाने की ज़रूरत थी और पूरा एनवायरमेंट अपने आप रिकवर कर रहा था। तो ये तो सबने रियलाइज़ किया कि एक बहुत बड़ा ये थॉट प्रोसेस है कि अगर हम अपने आप को रिकवर कर लें। अब यहाँ पे एक छोटा सा चुटकुला आपको एक दो लाइन बताऊंगी, अभी अभी मैंने पढ़ा कि हमारा चल कैसा रहा है, जैसे कि मैंने इतना सारा आपसे डिस्कस किया, तो एक लाइन आपको बताऊंगी, मैंने सुबह सुबह अभी पढ़ा। आई यूज्ड टू थिंक ड्रिंकिंग वॉज बैड फॉर मी, आई यूज्ड टू थिंक ड्रिंकिंग वॉज बैड फॉर मी, सो आई गेव अप थिंकिंग। राइट? कहीं ना कहीं लगता है ऐसा ही हो रहा है ना? तो हम इसे कोरिलेट कर सकते हैं कि हम एक्चुअली इश्यूज को समझने की जगह, दैट इज द रीजन द हियर द थॉट रिजुविनेशन, कि अगर हमारे थॉट्स का रिजुविनेशन प्रॉपरली होगा। कई बार मैंने ये देखा कि हमारा सिविलाइजेशन का ये सब का सब मैंने लेक पर पिक्चरें देखी हैं, लेक पर लोग आते हैं और मुझे पूरी की पूरी मूवीज दिखा के जाते हैं। एंड आई हैव रियलाइज्ड कि कैसे कैसे सिविलाइजेशन का जो डिग्रेडेशन हो रहा है उसके ही रिजल्टेंट हैं ये पॉल्यूशन। अब हम लोगों ने जो मैंने इसमें आपको एक वर्ड कहा कि बहुत ही लो कॉस्ट मॉडल बनाया है लेक रिजुविनेशन का, जिसमें एक छोटा सा बात ज़रूर कहूँगी जो कि आप लोगों को पता भी होना चाहिए, जो कि मैंने ऑब्जर्व किया कि अगर आपकी लेक हेल्थ, जैसे ह्यूमन हेल्थ वैसे ही लेक हेल्थ है ना, हम लोग थर्मोमीटर से अपना टेम्परेचर
नोटिस करते हैं. वैसे लेक हेल्थ के लिए वी हैव अ बीओडी. बीओडी इज अ पैरामीटर जिससे हम लेक हेल्थ को मेजर करते हैं, राइट. और बहुत सारी लेक्स हैं अभी भी हैदराबाद में जिनका हेल्थ ओके है, दे आर स्टिल नॉट वेरी डिग्रेडेड. द प्रॉब्लम इज डेफिनेटली सुवेज वाटर, है ना, सुवेज वाटर. लेकिन सुवेज वाटर क्या है, आप थोड़ा सा 100 साल पहले चले जाइए, 100 साल 200 साल पहले चले जाइए अगर आप, तो जो भी आपके पास चेरवू था या लेक था, वॉट एवर द लेक यू हैव, ऑब्वियसली उसमें फ़िश होंगी, ऑब्वियसली वो गांव के साथ होगा तो बफेलोज जाती होंगी, सब जाती होंगी, तो उनका भी एक्सक्रीटा उस लेक में ही जाता था, उनका यूरिन उसी में ही जाता था. तो जो सरफेस वाटर इज नेवर बीन 100% क्लीन, गॉट इट. बट दिस इज ट्रू दैट नाउ ड्यू टू द ह्यूमन फीसेस द पॉल्यूशन इज इंक्रीजिंग वेयर द लेक क्लिनजिंग सिस्टम इज नॉट वर्किंग और इट इज ओवरलोडेड, है ना. जैसे हम लोग बहुत ज़्यादा पिज्ज़ा खा लेते हैं तो हमारा सिस्टम ओवरलोडेड हो जाता है, सेम थिंग. ये बहुत आसान है, अगर आप देखोगे, कभी आंखें बंद करोगे तो आप देखोगे कि ह्यूमन बॉडी और वाटर बॉडी को समझना इतना आसान है कि आप खुद सोचोगे कि भाई वी कैन रिस्टोर आवर सेल्फ, किसी और की जरूरत नहीं है, ये तो बेसिक कॉमन सेंस रीजनिंग है. तो उस टाइम पे भी जाता था, अभी क्या हो गया है, थोड़ा एक्सेस हो गया है, लेकिन H2O इज द सेम इवन विद द सुवेज वाटर. H2O रिमेन्स द सेम, मीन्स फ्रेश वाटर इज H2O विद वेरी लेस सुवेज एंड सुवेज वाटर इज H2O विद वेरी लार्ज सुवेज. तो उनको नाउ वी हैव स्टार्टेड कॉलिंग एज अ कंटामिनेंट्स. सो रिमूव दोज कंटामिनेंट्स और रिड्यूस दोज कंटामिनेंट्स, इन बोथ द कंडीशंस यू विल गेट अ ऑप्टिमम फ्रेश वाटर. सो आई एम फॉलोइंग द प्रिंसिपल विच इज कॉल्ड द डाइल्यूशन इज द सॉल्यूशन ऑफ पॉल्यूशन. या डाइल्यूशन इज द सॉल्यूशन ऑफ पॉल्यूशन बिकॉज दे आर मैनी टाइम्स टोटल इराडिकेशन ऑफ पॉल्यूशन इज नॉट पॉसिबल. थोड़ा बड़ा तो पाप करना होना भी चाहिए, है ना. जैसे कि मुझे केले खा के केले का छिलका फेंकना बड़ा अच्छा लगता है, अब अगर पेनल्टी लग जाएगी और केले का छिलका भी फेंकने को नहीं मिलेगा तो इट्स वेरी बैड. तो थोड़ा बड़ा तो पाप करना अलाउड होना भी चाहिए. बट हाँ, अगर हम उसको बहुत डाइल्यूट करते रहें एक अच्छे थॉट से, अच्छे पानी से, तो लीक साफ हो जाएगा, सिंपल, दिमाग साफ हो जाए. तो यही बात आज मैं इस मंच पे कहना चाहती हूँ कि अगर हम थोड़ा थोड़ा इस तरीके से अपने आप के अपने थॉट्स, जो इतने स्ट्रॉन्ग थॉट्स हैं, राइट, एक्चुअली आप लोगों ने बहुत सारा साइंस सीख लिया है इनडायरेक्टली. सो द प्रोसीजर इज कॉल्ड द यूट्रोफिकेशन एंड द प्रोसीजर वॉट वी आर यूजिंग इज कॉल्ड द फाइटो रेमेडिएशन टेक्निक्स वेयर वी आर यूजिंग द प्लांट्स, राइट, टू एक्चुअली क्लीन द वाटर. एंड इट्स नथिंग बट द सिंपल प्रिंसिपल, इट्स टू डाइल्यूटिंग द वाटर, राइट. तो अब आपको सारा बेसिक साइंस, बेसिक एक्चुअली सारी चीज़ें आ सकती हैं. तो मेरा ये रिक्वेस्ट है कि हमारे दिमाग के साथ, अगर हमारे आसपास का एनवायरनमेंट भी अगर हम साफ करते चले जाएं, तो आप देखोगे हर चीज़ आ जाएगी. यहाँ पे शुरू में एक दो चीज़ें और कहूँगी. शुरू में जब मैंने काम शुरू किया था तो गुस्सा आता था, गवर्नमेंट पर भी गुस्सा आता था, पॉलिटिशियंस पर भी गुस्सा आता था. ऐसी बात नहीं है, है ना, कि गुस्सा नहीं आता है, ऐसी बात नहीं है, ये बड़ा एक ह्यूमन बिहेवियर है. लेकिन जब मैंने काम करना शुरू किया तो मैंने सारी प्रॉब्लम्स को देखना शुरू किया. आज की डेट में मैं बिल्कुल भी फेवर में नहीं हूँ कि पेनल्टीज होनी चाहिए. जैसे लोग ये कहते हैं कि बाहर पेनल्टीज हैं, इंडिया में पेनल्टी लगा दो. अगर हम पेनल्टीज लगाते हैं तो हम थॉट प्रोसेस को रोक देते हैं. थॉट प्रोसेस का रिजुविनेशन चाहिए, थॉट प्रोसेस का हैंडकफिंग नहीं चाहिए. इन दो बातों में भी फ़र्क है. ये भी बात आप रियलाइज़ करेंगे कि जब पूरी सिविलाइजेशन एक सही तरीके से सोचने लगती है, सिंपल, जैसे आप घर जाइए और हर बात बात पे आपकी माँ आपके ऊपर 100 रुपये लगा दे, या चादर ख़राब कर दी 100 रुपये, चप्पल ऐसे क्यों नहीं रखी 100 रुपये, है ना, चम्मच यहाँ छोड़ दी 200 रुपये, तो क्या आप उस घर में अच्छे से जी पाएंगे? नहीं. आप उस घर में से जी पाएंगे जब आपको खुद को पता है कि नहीं, मुझे चप्पलें ढंग से रखनी हैं, मुझे चादर नहीं ख़राब करनी है, झूठे बर्तन पीछे रखने हैं, है ना, प्लेट साफ़ करके रखनी है. तो ये तरीका ज़्यादा बेटर है जब हमारा थॉट प्रोसेस में चेंज हो,
रेजुविनेशन ऑफ थॉट्स हो रादर देन कि हम हर चीज पेनल्टीज के थ्रू लगाए जाए। तो ये सारी बातें इतनी कोरिलेटेड हैं, क्योंकि हम बाहर जाते हैं तो US में देखते हैं, फिर आके हम बात करते हैं अरे पेनल्टीज लगेंगी तभी इंडिया सुधरेगा, ऐसा एक्चुअली नहीं है। मेरी सिविलाइजेशन में इस काम करने के बाद जो मुझे अब अपने लोगों के ऊपर, ऑब्वियसली जैसे मैंने कहा 1 रुपये से मैंने काम शुरू किया और अब एक मेरी एक बहुत अच्छी ट्रस्ट बन गई है। लोग पता नहीं पैसा कितना कमाया मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने ट्रस्ट बहुत कमाया, क्रेडिबिलिटी बहुत कमाई, जो कि मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट था क्योंकि उसी चीज़ के लिए मैं आई थी। करप्शन आज तक ना मुझे 1 रुपया देना पड़ा, पता नहीं मेरी शक्ल ऐसी है कोई मुझसे मांगता भी नहीं। कई बार मुझे ऐसा लगता है कि पता नहीं अब मैं इतनी डरावनी लगती हूँ कि भयानक लगती हूँ, मुझे नहीं पता, लेकिन कोई मुझसे मांगता भी नहीं है। लेकिन अब तक का जो मेरा एक सफ़र रहा 2014 से लेके अभी तक का, परेशानियाँ आईं, ऐसा बिल्कुल नहीं था कि परेशानियाँ नहीं आई है ना। गार्बेज मैंने बहुत उठाया, आज भी उठाया है, आज भी उठा रही हूँ और लेक्स कर रही हूँ, लेकिन अब मुझे पता है अब एक डायरेक्शन मिलती चली जा रही है, अब एक सोच जो एक मेरी एक बहुत फैली हुई सोच थी वो बेटर होती चली जा रही है, मैं एक बेहतर माँ बनती चली जा रही हूँ, एक बेहतर पत्नी बनती चली जा रही हूँ। ये बात मैं ज़रूर आपसे कहूँगी जो मैं शायद पहले नहीं थी, ये भी मैं एक्सेप्ट करूँगी। मैं अपनी फेलियर, जैसे मैंने कहा पहले हर चीज़ को मैं मार्क्स के बेसिस पे देखती थी, पैकेज जब हम बात करते हैं पैकेज के बेसिस पे देखती थी, आज वैसा थॉट प्रोसेस नहीं। आज मैं सच में ये बात कहती हूँ, आई एम सर्चिंग, एक मेरा प्रोग्राम है वेयर आई ऑलवेज से आई एम सर्चिंग इंडियंस इन इंडिया, राइट। तो एक मैं वाकई इंडियन सर्च कर रही हूँ, क्योंकि एक जो इंडियन होगा वो सोचेगा, वो समझेगा, वो अपनी मातृभूमि से उतना ही प्यार करेगा, वो एनवायरनमेंट से उतना ही प्यार करेगा जितना वो खुद से करता है, उसके एक जीने का मिशन होगा। तो एक थॉट प्रोसेस में बहुत चेंज आया है। तो कई बार मेरा जो ये सारी चीज़ें हैं वो इसीलिए हैं जो मैंने कहा कि जब एक हम जब स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं तो ये स्पिरिचुअलिटी ऐसा है कि हम किसी को अपने से बढ़कर प्यार करने लगते हैं जो कि बिल्कुल डिटैच है, क्योंकि आज मुझे पता है कि उस लेक को मैं कहीं लेके नहीं जा सकती, लेक वहीं रहेगी, मेरा नाम भी नहीं है उस पर, है ना, ना मैं उस पर नाम लगा सकती हूँ, ना कुछ नहीं कर सकती मैं, दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। तो एक वो काम ऐसा हो गया है कि अपने आप में एक स्पिरिचुअलिटी है, क्योंकि उस चीज़ को मैं प्यार करती हूँ जो मेरी कभी से थी ही नहीं और जो मेरी कभी हो भी नहीं सकती, वो एक पब्लिक के लिए है। और एक बड़ा अजीब सा है ये जो प्यार है, ये सच में बड़ा अजीब सा है। नो डाउट मेरी लव मैरिज हुई थी, लेकिन तब मुझे शायद प्यार का मतलब नहीं पता था, तब मुझे लगता था प्यार का मतलब शादी हो जाना। आज पहली बार समझ में आता है कि प्यार का मतलब ही यही है कि आप जो काम कर रहे हो उसको आपको पलट के देखना भी नहीं है। तो ये जो फीलिंग है, मुझे नहीं पता मैं कितना आप लोगों को समझा पा रही हूँ, लेकिन ये बात हुई मेरे साथ और ये मेरे लिए ना जादू ही है, सच में ये जादू ही है मेरे लिए। जब मैं उस लेक पे जाती हूँ तो उस लेक पे बहुत सारे सांप हैं, उस पे बहुत सारे मॉनिटर लिजार्ड्स हैं जिन पे पहले मुझे बहुत डर लगता था, बिल्कुल डर लगता था, आज की डेट में बिल्कुल डर नहीं लगता है। और दिन पे दिन मैं ऐसी होती चली जा रही हूँ कि वो डर बिल्कुल ख़त्म होता चला जा रहा है। और क्योंकि मैं माँ हूँ तो ऑब्वियसली मेरे बिहेवियर की वजह से मेरे बच्चों के ऊपर इफ़ेक्ट आ रहा है, और मैं देखती हूँ कि भाई सारे जानवरों से, स्ट्रीट डॉग्स हों, घर के हों, चिड़िया हों, सांप हों, जो मेरे को देखते हैं वैसे ही मेरे बच्चे बिहेव कर रहे हैं। बड़ी अजीब सी बात है ये बात, लेकिन ये बात मैं देख रही हूँ अब। लेकिन मुझे उनको पढ़ाना नहीं पड़ता, अब वो मेरे बिहेवियर से सीखते हैं, मेरे एटीट्यूड से सीखते हैं, राइट। तो ये बात बहुत बहुत अजीब बढ़ती चली जा रही है। कई बार मेरे बच्चे कहते हैं मम्मी आप ये बाईजी को डांट क्यों नहीं लगाती, ये आती हैं। तो हमारे घर में एक रूल है कि सबको दीदी बोलना है, बाईजी वर्ड नहीं यूज़ करना है, या अम्मा बोलना है, मैंने हमेशा बोलती हूँ। तो कई बार मेरे बच्चे नाराज़ हो जाते हैं और वो कहते हैं आप दीदी को आप डांट क्यों नहीं लगा रही हो, तो मैं हमेशा ये बात बोलती हूँ कि बेटा इतना काम करने के बाद अब मुझे समझ में आता है कि इसको डांट लगाने की ज़रूरत नहीं, जितना ही करके जाए ठीक है, उसके बाद मैं कर लूँगी शांति, क्योंकि मैं उस शांति को उस एक जो अमृत के नशे में जो हूँ ना मैं, जिसे कहते हैं लेक के नशे में हूँ आप ऐसे कह सकते हैं, उससे मैं बाहर आना ही नहीं चाहती, क्योंकि वो इतना इंटरेस्टिंग है जानना, इतना इंटरेस्टिंग है क्लाइमेट चेंज के बारे में पढ़ना,
खोले का मुझे एक लाइब्रेरी दिखती है, इतना पढ़ रही हूँ मैं आजकल जितना शायद अपनी 11th 12th के लिए नहीं पढ़ी होंगी। तो वो एक थॉट प्रोसेस इतना बढ़ता चला जा रहा है, और मेरा ये मानना है कि ये एक नशा है, और आप जब इस नशे में एक बार आ जाते हो तो आपको ना, जैसे कि वही वाली बात है, जब आप भगवान में रम जाते हो तो वो भी एक नशा होता है, भगवान का भी एक नशा है। तो आपको ये देखना है, जानना है कि आपका दिल किस चीज़ में लगता है, और एक बार जब आप अपने उस पैशन को ले लेंगे तो आपको ये बात महसूस होगी कि पूरी दुनिया अपने आप सुंदर लगने लग जाती है। आपको बोलना नहीं पड़ता है कि भाई वो, अब जैसे मेरे साथ है, लोग कहेंगे ये गंदी लेक है, मैं कहूँगी अच्छा कहाँ गंदी है। तो कई बार मुझे दिमाग चेंज, जैसे अब मैं प्रपोजल्स के लिए सबमिट करने जाती हूँ ना, तो लोग मुझसे कहेंगे ये डेड लेक है, ये गंदी लेक है मधुलिका, ये है, तो मुझे अपने दिमाग को शिफ्ट करना पड़ता है क्योंकि मुझे उनको चेंज लाना, राइट, क्योंकि मुझे तो वो गंदी दिखाई दे दी क्योंकि भाई मेरा सोच, भाई मुझे तो पता है वो तो साइंस है, ये तो गार्बेज है, ये तो डिकम्पोजेबल हो जाएगा, तो गंदा कहाँ है। तो मेरे साथ एक ये बड़ी प्रॉब्लम हो गई है कि मुझे जब लोगों को कई बार जब मुझे अपने प्रपोजल्स के लिए उनको कन्विंस करना पड़ता है, राइट, तो मुझे अपना दिमाग चेंज करके फिर उनको अपने थॉट में लेना पड़ता है क्योंकि मुझे वो चीज़ गंदी दिखाई नहीं दे रही है जो आज आपको गंदी दिखाई दे रही है, क्योंकि मुझे तो ये बात पता है कि ये डिकम्पोजिबल है, ये स्विच है, ये तो भाई वाटर साइकिल है। तो आज जो स्विच है वही आप कल, हमारी अर्थ पे 1% वाटर है, एंड दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड द रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स। तो जो स्विच वाटर है वही घूम फिर के कल हम पीते हैं, है ना, कहीं अर्थ बाहर तो फेंक नहीं देती है कुछ भी कूड़ा। तो वही बड़ा अच्छा है, ये समझने में बड़ा अच्छा है कि जो आज हमने पाप किए वही घूम फिर के हमें मिलते हैं, जो हमने पाप किए तो चाहे पाप पानी के फॉर्म में करो या कूड़े के फॉर्म में, मिलने सबको वही के वही। एक और चीज़ ज़रूर आपसे बताना चाहूँगी, बड़ा अच्छा है, कभी अगर आपको मौका मिले तो ज़रूर जाइएगा। हम लोग बात करते हैं ना नर्क, नर्क की और स्वर्ग की, है ना, तो नर्क को एक डिस्क्रिप्शन है ना कि तुम नर्क में जाओगे तो उसमें तुमको पकौड़े में तलेंगे, गरम गरम तेल में तुमको पकौड़े की तरह तला जाएगा, और तुम ऐसा एक डिस्क्रिप्शन देते ना बड़ा अच्छा सा, उसमें कांटों से चुभाया जाएगा। तो अगर किसी को सच में नर्क देखने की इच्छा है तो मेरे पास अवेलेबल है एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। हमारे यहाँ एक जवाहर नगर गार्बेज डंप यार्ड है, आप वहाँ पे जाके देखिए, आप एकदम कनेक्ट कर पाएंगे जो हमारी बुक्स में नर्क लिखा हुआ है। तो हम इतने सारे नर्क खुद बना रहे, राइट, और मुझे तो कई बार लगता है कि गवर्नमेंट को उस पर टिकट लगा दीजिए, नहीं भाई स्वर्ग तो देखा नहीं, नर्क तो देख लो। तो रीज़न ये, एटलीस्ट अगर उस पर उसको अगर एज अ टूरिज्म बेसिस पे बढ़ाया जाए तो शायद लोग चेंज होने लगे। तो यहाँ पे कहने का मतलब है कि थोड़ा थोड़ा अगर हम सोचें, थोड़ा थोड़ा अगर हम चेंजेस लाएं, अपने घर में देखें, पेशेंस लाने की ज़रूरत है। जैसे मैंने कहा शुरू में, मैं बहुत ज़्यादा भाग दौड़ कर रही थी, बहुत दौड़ती थी, लेकिन अब एक ठहराव आने लगा है। ऑब्वियसली जब हम यंग होते हैं ना तब हम पेशेंस नहीं पसंद करते हैं, लेकिन जब एक एज आने लग जाती है तो हमें रियलाइज़ होता है कि एक्चुअली एक ठहराव ज़रूरी है। अब कछुए की ज़िंदगी जो है ना वो सक्सेस ज़्यादा बेटर दिलाती है, रैबिट की तरह दौड़ते दौड़ते, बिल्कुल फैक्ट है कि रैबिट की तरह दौड़ना बड़ा अच्छा लगता है, ये बिल्कुल थॉट प्रोसेस है, लेकिन आप देखोगे कि ओवरऑल लाइफ में ना कछुआ इज़ एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये सारे जो थॉट प्रोसेस हैं और जो मेरी भाषा निकल के आ रही है वो इसीलिए है क्योंकि ये लेक पे मैं हर वक्त देखती रहती हूँ, और मैंने ये रियलाइज़ किया कि ये सारी चीज़ों के लिए हमें अपने से लेके बाहर से लेके जो पूरा सर्कल है उसका जो कनेक्शन है, या जिसे हम कहते हैं कॉस्मिक कनेक्शन है, वो बनाने में टाइम लगता है, लेकिन वो बनता है अगर एक बार हम सोच लें। लेकिन हाँ ये भी बात सही है कि भाई हम बिज़ी हैं, बच्चे हैं, तो हम कई बार सोचते हैं जब बच्चे बड़े हो जाएंगे तब करेंगे, या जब हम रिटायर हो जाएंगे तब करेंगे, तब एक्चुअली ना थोड़ा डिले हो जाते हैं, तब हमारी ना एनर्जी इतनी रह नहीं पाती। इसीलिए ज़रूरी है कि अगर हम अपनी एनर्जी को सही टाइम पे, क्योंकि हर किसी के अंदर वी हैव वेरी गुड अमाउंट ऑफ एनर्जी, अगर उसको सही टाइम पे हम सही जगह फोकस कर लें तो वाकई हम धरती पे बोझ नहीं रहेंगे। ये ज़रूर आपसे सोच कहूँगी, और मैं इसके साथ ख़त्म करना चाहूँगी। जैसे मैंने आपको कई सारा इस टाइम पे एक लेक्स के बारे में बताया, अगर आप गुरप टीका के बारे में जानते हैं
तो गुरबडेगा इज़ नथिंग बट अ वाटर हाइसिंथ. ये एक बहुत अच्छा पेड़ है. मैं बड़ा सारा पेड़ पौधों के साथ काम कर रही हूँ. ड्यूरिंग द कोरोना मैंने बहुत सारे आयुर्वेदिक पेड़ों के साथ काम किया, पौधों के बारे में काम किया, और देखा कि बहुत सारे जो वाटर ट्रीटमेंट के साथ कैसे काम करते हैं. तो ये सारी जो सोच है वो अपने आप आती चली जाती है कि नेक्स्ट स्टेप आपको करना क्या है. तो आज की डेट में तो मुझको ऐसा लगता है कि भगवान मुझे ना ऐसे धकेलते रहते हैं. जैसे आज भी जो मेरा आना हुआ है वो ऐसे ही बिल्कुल चलते चलते एकदम से आना हुआ, ऐसा कोई प्लान्ड नहीं था. तो कई बार मुझे ये फैक्ट लगता है कि अगर हमारा ये जो कॉस्मिक कनेक्शन है और जो स्पिरिचुअलिटी है किसी भी चीज़ के थ्रू हो, एक बार अगर आप इसके साथ जुड़ जाते हैं तो फिर ना अपने आप आपकी लाइफ डायरेक्शन देती चली जाती है. फिर आपको 5 ईयर्स प्लान बनाने की ज़रूरत नहीं है, 5 ईयर्स बिजनेस प्लान, इसके बाद आपकी ऑर्गेनाइजेशन कहाँ होगी इसकी ज़रूरत नहीं है. आपकी टीम बहुत बड़ी होने की ज़रूरत नहीं है. आपको सिर्फ पता होना चाहिए कि आपकी एनर्जी वो एक सही डायरेक्शन में जा रही है, तो बाकी सब चीज़ें जब ज़रूरत पड़ेगी ना तब आपके पास गिलहरी, हनुमान जी, बंदर तब आ जाएंगे. हर वक्त आपको पूरी एक आर्मी लेके चलने की ज़रूरत नहीं है. तो ये एक जो कॉन्फिडेंस या ये एक जो थॉट प्रोसेस या जो मैंने कहा एक प्यार का सही मायने जो मैंने जाना, उसके लिए एक बहुत ज़रूरी है दोनों ही चीज़ का कनेक्शन होना और बढ़ते चले जाना. क्रिटिसिज्म आता है, लोग बहुत ज़ोर से चिल्लाते हैं, पहले रोने लग जाती थी, ऐसा नहीं है, बहुत रोई हूँ मैं. अब कोई क्रिटिसाइज़ करता है तो मुस्कुराती हूँ कि चलो अच्छी बात है, तुमने मुझे क्रिटिसाइज़ किया इसका मतलब मैं तुम्हारी लाइफ में इंपॉर्टेंट हूँ, दैट्स व्हाई यू आर क्रिटिसाइजिंग मी. सो ये जो थॉट प्रोसेस है दिस इज़ चेंज विद टाइम. लेकिन हाँ, जब भी आप लोगों को टाइम मिले मेरा रिक्वेस्ट है आप लोग नेकनामपुर लेक पर आइए. हम लोग हमेशा अवेलेबल रहते हैं. सैटरडे एवरी सैटरडे संडे आई कंडक्ट लॉट ऑफ प्रोग्राम्स एट द लेक. एंड जो एनर्जी है उस चीज़ को करिए. अभी भी वो लेक स्विज वाटर ही है, लेकिन हाँ लोग आके पहचान नहीं पाते हैं कि दिस इज़ अ स्विज वाटर लेक. तो ये जो सारे जो चीज़ें हैं एनर्जी, बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं जो कि मणिकोंडा सेंटर हैं ब्रह्म कुमारीज, उन्होंने किए भी हैं लेक पर, इसलिए मुझे लगता है कि एक पॉजिटिव एनर्जी फ्लो होती है. और आप लोग भी आएंगे तो आपकी जो एनर्जीज मिलेंगी तो और थॉट प्रोसेस आएगा. तो इसके साथ मैं समाप्त करना चाहूँगी. Once again, huge round of applause. Thank you so much, Madhulika ji. Thank you so much. Itna sara, you have done great work all around Hyderabad, and not just she has worked, she has inspired us a lot, isn't it? Who all are feeling really inspired? Yes, that hum dharti par bojh nahi hai, hai na? Hume kuch karna hai. इस धरती के लिए जो हमें मिला है, वट एवर वी हैव गॉट आउट ऑफ हियर वी हैव टू रिटर्न. दैट्स वॉट कॉल अस ह्यूमन बींग्स, राइट? शी हैज गिवन वेरी ब्यूटिफुल वर्ड, होमोसेपियंस एंड रोबोसेपियंस. थैंक यू सो मच. ओके, सो आई एक्चुअली वॉन्ट टू टेल वन मोर थिंग, दैट शी हैज़ डन लॉट ऑफ वर्क एंड दैट्स वॉट गवर्नमेंट हैज़ रिकोगनाइज मधुलिका जी अ लॉट विथ लॉट मेनी अवार्ड्स, नेशनल वाटर अवार्ड, वेब वंडर वुमेन अवार्ड, अर्थ केयर अवार्ड, इको सेपियंस अवार्ड, तेलंगाना हरित मित्र अवार्ड, बायोडाइवर्सिटी लेडी लेजेंड, लाइक दिस इट्स अ लॉन्ग लॉन्ग लिस्ट. ओके, आई जस्ट वॉन्टेड टू कॉल आउट फ्यू सो दैट वी कैन रिलेट दैट अवार्ड्स इज जस्ट अ बाय प्रोडक्ट ऑफ समथिंग, बट द काइंड ऑफ सेटिस्फैक्शन दैट शी गॉट आउट ऑफ द वर्क शी हैज डन, इट्स अमेजिंग, इट्स ब्यूटिफुल, एंड इट्स सो मच एविडेंट ऑन हर फेस, इजंट इट? And thank you so much once again, Madhulika sister, for a beautiful and inspirational session. Thank you. Thank you once again, Madhulika sister. Now I request Didi ji, our director of Brahma Kumari Shanti Sarovar. So I welcome heartily Rajyogini Brahma Kumari Kuldeep Didi ji to bless and felicitate sister Madhulika. I also would like to acknowledge the presence of Dronacharya awardee, Brother Ramesh Nagapuri Garu. After a long time, he has come to Brahma Kumar Shanti Sarovar. Good evening all. I am recently on my tour with the junior Indian team for Junior Asian Championship in Korea. We Indians got 6 gold medals.
7 silver and 6 bronze. Out of 45 countries, India stood third. Narendra Modi ji also tweeted, because all under 20 years children, right? So I often come down here because we sportsmen at international level, we know the importance of the spiritual power, means, because it's a win and lose, it's a small line, it's a 19-20, all right? So how the mind power works there, because recently I was sharing, when you put your whole heart and soul spiritually into any profession, you can command the nature, you can command the results. Om Shanti. आप सबका बहुत बहुत स्वागत है, विशेष मधुलिका बहन और रमेश भाई, दोनों अलग अलग फील्ड से हैं लेकिन दोनों का कनेक्शन परमात्मा से, स्पिरिचुअलिटी से बहुत नज़दीक है, क्योंकि ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में भी हमारे कई विंग्स हैं, 19 विंग्स में एक स्पोर्ट्स विंग है जिसमें हमारे रमेश भाई बहुत से सजेशन देते हैं किस तरह से स्पोर्ट्स पर्सन की सेवा की जाए और कैसे उन लोगों को, उनके पेरेंट्स को किस तरह से ये ज्ञान दिया जाए ताकि वो अपने बच्चों में भी वो उमंग उत्साह भर सकें, क्योंकि ज़्यादा फोर्स करते हैं जीत के आना उनको, फिर बहुत टेंशन हो जाता है। तो माता पिता के अंदर भी किस तरह से उनको गाइडेंस देना है बच्चों को, क्योंकि यहाँ हमारा प्रोग्राम हुआ था कुछ समय पहले, तो हमारे जो स्पीकर्स थे उन्होंने भी इनसे गाइडेंस ली, कैसे हम पेरेंट्स को, छोटे बच्चे भी हैं प्लेयर्स, तो छोटे छोटे बच्चे भी आजकल सोचते स्पोर्ट्स में जाना बहुत ज़रूरी है, और माँ बाप भी बहुत गौरव अनुभव करते कि हमारे बच्चे देश के लिए एक नाम कमा कर आएं। तो दोनों पर्सनालिटीज़ आप देखिए, एक आईटी की तरफ से है और एक स्पोर्ट्स की तरफ से है, लेकिन हर एक के लिए स्पिरिचुअलिटी बहुत आवश्यक है। जैसे वसंता बहन ने कहा ना, नेशनल लेवल तक तो फिजिकल लेवल चलेगा, लेकिन जब तक स्पिरिचुअल पावर नहीं है, मेडिटेशन नहीं करेंगे तो आप विजय नहीं प्राप्त कर सकते, क्योंकि इनके एकेडमी से भी काफ़ी स्टूडेंट आकर मेडिटेशन सीख कर अपने भारत के लिए कई मेडल्स जीत कर आए हैं। अब नाम तो हम एक एक का गिनाएंगे तो बहुत हैं, लेकिन मधुलिका बहन ने जो लक्ष्य लिया है शांति सरोवर के लेक को ब्यूटीफाई करने के लिए, इनकी आत्मा को फिर ब्यूटीफुल बनाने वाला ऊपर वाला है ना, क्योंकि ये ब्यूटी तो टेम्प्रेरी है, फिजिकल ब्यूटी कहो या नेचर की ब्यूटी कहो, लेकिन जो इनर ब्यूटी है, आत्मा के अंदर वैल्यूज़ को लाना, आत्मा के अंदर गुण और शक्तियाँ भरना, वो परमात्मा के पास वो आर्ट है, वो किसी मनुष्य के पास नहीं है, क्योंकि वो हमें मनुष्य से देवता बनाता है ना। देवता माना जिनमें डिविनिटी है, जिनकी आज भी हम पूजा करते, जैसे भाई साहब ने कहा ना, यहाँ के खिलाड़ी कोई ना कोई अपने 3-4 भगवान की, देवताओं के फोटो जरूर अपने पास रखते हैं। क्या मिलता है उनसे? क्योंकि परमात्मा ने जो उन आत्माओं के अंदर दिव्य शक्तियाँ भरी हैं, दिव्य गुण भरे हैं, जिनको हम रिस्पेक्ट देते हैं, ना चाहते हुए भी हमारा मन से और दिल से सिर झुक जाता है, आँखें भी बंद हो जाती हैं, नतमस्तक हो जाते हैं कि कितने महान थी वो आत्माएं जो हमारे भारत के पूर्वज देवी देवताएं थे। क्योंकि बाद में कुछ लोगों ने ये बताया कि हमारे पूर्वज बंदर थे, अगर बंदर होते तो हम भी बंदर ही रहते थे, हमारे पूर्वज देवताएं थे। फिर से परमात्मा हमें वो देवता जैसा बनाने के लिए यहाँ अवतरित होकर भारत में हम आत्माओं को मेडिटेशन और ज्ञान के आधार से हमारे अंदर वो गुण और शक्तियाँ भरने के लिए आए। क्योंकि जब हम आत्मा इस सृष्टि पर अवतरित होती हैं, सबसे पहला युग सतयुग होता है, जिसमें हमारे अंदर सब गुण, सब कलाएँ
भरपूर रहती हैं। इसलिए देवताओं को कहते सर्वगुण संपन्न, सुला कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम। सबका बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। विशेष हमारी मधुलिका बहन खास आज संडे टॉक ये सेवा के लिए, और उन्होंने जो संकल्प लिया तो परमात्मा इनमें बहुत शक्ति भरेंगे। और रमेश भाई सुनने के लिए आए, लेकिन उनको भी उमंग आया और उनको सुनाने का भी मौका मिला। कितना अच्छा, गौरव की बात है। जो बातें हमें नहीं मालूम थी, क्योंकि हम तो अपने आप अपने स्पिरिचुअल वर्ल्ड में रहते हैं, हम कई समाचार मालूम भी नहीं होते हमको, तो बहुत खुशी हुई, है ना। रमेश भाई हमारे एक सुपरस्टार हैं। ओम शांति, सबका धन्यवाद। अभी हम इन दोनों श्रेष्ठ आत्माओं का, सुपर स्टार्स का, हाँ, फेलिसिटेशन करेंगे ईश्वरी विश्वविद्यालय की ओर से। तो एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन, तो Thank you.